दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गरजा है किंग कोहली का बल्ला, चौके छक्कों की बरसात कर खेल दिया ऐतिहासिक पारी, तो गिल ने भी रचा है इतिहास। खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर ऐतिहासिक स्कोर बनाने के बाद मोहम्मद सिराज ने ढाया लंका पर कहर और अपनी आग उगलती हुई गेंदों से मचाई ऐसी तबाही कि पल भर में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया श्रीलंका। तो आखिर कैसे विराट और गिल की धाकड़ बल्लेबाजी के बाद मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी से भारतीय टीम ने शान से जमाया है सीरीज पर कब्जा, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तीसरे वनडे में श्रीलंका के सामने अपनी लाज बचाने का आखिरी मौका था। तिरुवनंतपुरम के मैदान पर सिक्का उछला और गिरा कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में और उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। आखिरी वनडे के लिए उमरान मलिक के साथ हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है, तो वहीं उनकी जगह पर सूर्यकुमार यादव और वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। रनों की बरसात करने के इरादे से कप्तान रोहित के साथ धाकड़ खिलाड़ी शुभमन गिल की जोड़ी भी मैदान में उतरती है। दोस्तों, कुछ ऐसे ही आक्रामक अंदाज में गिल ने मिड विकेट के क्षेत्र में चौका बटोर कर रनों का खाता खोला। यह दोनों बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने उतरते ही चौके छक्कों की बरसात कर दी। रोहित हिटमैन वाले मूड में आ चुके थे और गेंद लेकर आए रजिथा को अपने आक्रोश में लेते हुए उन्होंने लगातार दो गेंदों पर पहले मिड विकेट और फिर उनके ऊपर से दो दर्शनी छक्कों के लिए भेजा, तो फिर आखिरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोर कर भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवरों में 76 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित के इन छक्कों पर पूरा स्टेडियम झूम उठा था। लेकिन दोस्तों, पारी के 16वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा और करुणा रत्ने की गेंद पर रोहित अविष्का फर्नांडो को कैच थमा बैठे। 49 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों के बदौलत 42 रन बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद किंग कोहली बल्लेबाजी करने आते हैं, उन्होंने अपने अंदाज में चौका बटोर कर रनों का खाता खोला था। दूसरे छोर पर 20 ओवरों के पहले ही गिल ने 50 गेंदों पर अपना एक और अर्धशतक पूरा कर अपनी काबिलियत पूरी दुनिया को दिखा दी। 20 ओवरों में टीम इंडिया 126 का आंकड़ा पार कर चुकी थी, जिसके बाद ये दोनों खिलाड़ी बेहद आक्रामक हो गए और बेहतरीन फॉर्म का मुजाहरा दिखाते हुए शुभमन गिल महज 89 गेंदों पर अपने दूसरे शतक को अंजाम दे दिया। गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में 12 चौकों और 2 छक्कों के बदौलत शतकी पारी खेली, जिस पर खुद विराट कोहली ने उन्हें बधाई दी। लेकिन शतक पूरा करते ही वह रनों की रफ्तार बढ़ाने के प्रयास में आउट हो गए। 97 गेंदों पर 14 छक्कों और 2 चौकों की वजह से 116 रनों की पारी खेलकर गिल पवेलियन लौटे। गिल के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आते, उन्होंने विराट का साथ निभाते हुए बेहतरीन अंदाज में रनों की रफ्तार बढ़ाई। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द भारतीय टीम को एक के बाद एक दो बड़े झटके लगे। लहरू कुमारा ने अय्यर को 38 के स्कोर पर पवेलियन भेजा, तो फिर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल भी महज 7 रन बनाकर लहरू कुमारा का शिकार हो गए। अचानक से मैच पलटने लगा था, लेकिन किंग कोहली मैदान में चट्टान की तरह डटे थे। उन्होंने अपने ताबड़तोड़ अंदाज में महज 85 गेंदों पर एक ऐतिहासिक शतकी पारी खेल दी, जिस पर पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। दोस्तों, दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन किंग तो विराट रूप ले चुके थे। सूर्य कुमार यादव भी 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर रजिष्ठा का शिकार हो गए। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली ने हार नहीं मानी और उन्होंने शतक के बाद अपना विकराल रूप दिखाते हुए छक्कों की बरसात कर दी और ताबड़तोड़ अंदाज में 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, विराट ने अपने दहशत भरे अंदाज में लंका के परखच्चे उड़ा दिए और अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 110 गेंदों पर 166 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 13 चौके तो वहीं 8 भयावह छक्के शामिल थे, जिसके साथ ही उन्होंने 50 ओवरों में टीम इंडिया को 390 रनों तक पहुंचा दिया था। लंका के लिए कुमारा और रजिठा ने 2-2 विकेट, तो वहीं करुणा रत्ने को 1 विकेट हासिल हुआ। दोस्तों, इतने विशाल लक्ष्य का पीछा कर अपनी लाज बचाने के इरादे से अविष्का फर्नांडो के साथ धाकड़ युवा खिलाड़ी नावानिंदू की जोड़ी मैदान में उतरी। लेकिन मोहम्मद सिराज के इरादे तो कुछ और ही थे। अपनी आग उगलती हुई घातक गेंद से उन्होंने पहले ही ओवर में अविष्का फर्नांडो को स्लिप में खड़े शुभमन गिल के साथ हाथों कैच आउट करा कर लंका को पहला झटका दे दिया। महज 1 रन बनाकर फर्नांडो आउट हुए हैं, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए कुशल मेंडिस। लेकिन दोस्तों, सिराज के सामने वह भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और अपने अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने मेंडिस को भी अपनी खौफनाक गेंद में फंसा लिया और केएल राहुल को कैच थमा दिया। महज 22 रनों के भीतर ही श्रीलंका के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। मेंडिस 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिनके बाद आउट होने के बाद असलंका बल्लेबाजी करने आते हैं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। मोहम्मद सिराज के बाद कातिलाना गेंदबाजी करते हुए कहर बरपाया मोहम्मद शमी ने असलंका को भी महज 1 रन पर पवेलियन के राह दिखाकर श्रीलंका की बल्लेबाजी तहस नहस कर दी। 31 गेंदों पर उनके 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे। जी हाँ, जहां से अब खुद कप्तान संका मोर्चा संभालने के लिए मैदान में आते हैं। श्रीलंका पूरी तरह से बिखर चुकी थी। यहां से मोहम्मद सिराज ने नवानिंदू को भी पवेलियन के राह दिखाकर भारतीय टीम को जीत को सुनिश्चित कर लंका को लगभग 10 ओवरों के भीतर ही धूल चटा दी थी। श्रीलंकाई कप्तान संका और वानिंदू हंसारंगा बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां से श्रीलंका को वापसी कर पाना अब लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका की तरह लगभग भारतीय टीम न्यूजीलैंड को भी वनडे सीरीज में 3-0 से हरा पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।